भारतीय स्टेट बैंक ने सातवें वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को मिलने वाले एरियर और वेतन वृद्धि के मद्देनजर होम लोन की नई स्कीमें लॉन्च की हैं। इन कर्मचारियों को अब 75 साल की उम्र तक के लिए लोन दिया जाएगा। स्कीमों में इन ग्राहकों को लोन में रियायत मिलेगी। बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए SBI प्रिविलेज होम लोन और सैन्य कर्मचारियों के लिए SBI शौर्य होम लोन स्कीम लॉन्च की है। इनमें बैंक कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा। बैंक इन स्कीमों में ग्राहकों को मौजूदा ब्याज दर में 0.0% की रियायत देगा। केंद्र और राज्य सरकारों, सेनाओं और सार्वजनिक उपक्रम के कर्मचारियों और वेतन भोगियों को स्कीम में लोन दिया जाएगा। पेंशन भोगियों को लोन 70 के बजाय 75 साल की उम्र तक की अवधि के लिए दिया जाएगा। कर्ज की अवधि बढ़ने से कर्ज की किश्त कम देनी होगी। बैंक अधिकारियों के फंसे कर्ज यानी NPA से परेशान SBI कई कदम उठाने जा रहा है। इसके तहत बैंक कर्ज मंजूर करने वाले अधिकारियों के लिए सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाएगा। बैंक की प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने बताया कि अधिकारियों के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। ये प्रोग्राम 3 साल तक चलेगा। इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले अधिकारियों को 50 करोड़ रुपए तक का कर्ज देने का अधिकार होगा। इसी प्रोग्राम में लेवल 2 की परीक्षा पास करने वाले अधिकारियों को 500 करोड़ रुपए तक का कर्ज मंजूर करने की अनुमति दी जाएगी।